वेलकम टू हिंदुस्तान सोडा मशीन और हिंदुस्तान सोडा मशीन का एक नया वीडियो नया इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन देने का पूरा ट्राई करूंगा, किस तरह का मशीन लेना चाहिए, किस तरह का मशीन नहीं लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा आप स्टार्ट एंड तक आप वीडियो को देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा सोडा इंडस्ट्री के बारे में। और सोडा ये हिंदुस्तान कंपनी जो वन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बिलीव करती है, ना कि सेल्स के अंदर। तो आप इस कंपनी से जुड़िए और आप पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर आप इंडिया का कहीं भी कंपनी में जाके मशीन परचेस कर सकते हो। आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं गोली सोडा का फिलिंग मशीन, जो इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटिक प्लांट हिंदुस्तान सोडा मशीन ने बनाया, जो सिरप और सोडा के साथ। बाद में धीरे धीरे कंपनियों ने, लोगों ने कॉपी मारा, धीरे धीरे मार्केट के अंदर अभी लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट एक्सपर्टीज नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान गोली सोडा मशीन के अंदर एक और मशीन है सेमी ऑटोमेटिक मशीन का भी काफी अच्छा स्पेशलिटी है। उसके बाद हिंदुस्तान सोडा मशीन बनाता है पैड बोतल का न्यूमेटिक काउंटर प्रेस सिस्टम, जिसका फिलिंग सिस्टम हर कस्टमर को समझना जरूरी है और उसकी हर एक इंफॉर्मेशन को, उसके हर एक डिटेल को, हर एक पॉइंट को उसको वर्कआउट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इस तरह की मशीन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं और उन लोगों को इस तरह की मशीन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। कई सारे मशीन है मार्केट के अंदर जो जुगाड़ टाइप के हैं, जिसमें काला नल होता है और वो सोडा सिरप भर के मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन लोगों का बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाता। तो इस तरह के बिजनेस, इस तरह के ट्रेड में आने से पहले दिन का कमाओ 10,000, महीने के कमाओ 6,00,000, मतलब कैलकुलेशन ही कुछ समझ के बाहर है। तो इस तरह के बिजनेस और इस तरह का इंडस्ट्री में आने से पहले हर चीज को एनालाइज करिए। तो इस तरह का प्लांट, कोई भी सोडा इंडस्ट्री का मशीन परचेस करने से पहले उसके हर चीज को एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद ही प्लांट परचेस करिए, ऐसे खाली ट्रिप में ना आए कि आप इतना कमा लोगे इतना कमा लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और रही बात हिंदुस्तान सोडा कंपनी की, तो वो लोग पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, आप कहीं से भी लो ये मैटर नहीं करता। आप इंफॉर्मेशन लो, उसका कैलकुलेटर, हर चीज को एनालाइज करो, उसके बाद आप परचेस करो। और मशीनरी का एक्सपर्ट हिंदुस्तान सोडा मशीन के पास है, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने का पूरा ट्राई करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा वी आर द बेस्ट, बट वी आर डिफरेंट। वी आर नॉट बेस्ट बट वी आर द डिफरेंट, हाउ वी कैन डेवलप डिफरेंट मशीन एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो ये चीज हमारे अंदर है जो मैं इस वीडियो में बताने का ट्राई करता हूँ। हमारा गोली सोडा का मशीन ऑटोमेटिक है, जो सिरप और सोडा दोनों एक साथ फिलिंग करता है। और मशीनरी के अंदर आप सभी तरह की बोतल आप फिल कर सकते हैं, ग्लास बोतल हो, पेट बोतल के अंदर दोनों कैटेगरी, आप दोनों कैटेगरी बोतल फिल कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। कई कंपनीज बनाने का ट्राई कर रही है, एक्यूरेसी कोई कोई ठिकाना नहीं। वीडियो में दिखाया जाता है लेकिन शॉर्ट दिखाया जाता, पूरा नहीं दिखाया जाता। तो इस चीज को थोड़ा समझिए, फैक्ट्री विजिट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री विजिट करने से आपको पूरा कंपनी का रियलिटी पता चलेगा, YouTube के चक्कर में ना आए। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश करता हूँ कैसे गोली सोडा मशीन, हम लोग किस तरह की मशीन बनाते हैं और हमारी मशीन में कैसा है। कोई फिक्स सिस्टम नहीं, मान लो 8 BPM का है, 16 BPM का। हमारे पास गोली सोडा में 3 मॉडल है, 2 हेड 6 BPM, 4 हेड 8 BPM और 8 हेड 16 BPM। हमारा जितना भी मशीन आता है वो सब एक्सटेंशन मोड आता है। एक्सटेंशन मोड को समझना बहुत जरूरी है। हर कंपनी इंडिया के अंदर सब फिक्स कैटेगरी में मशीन बना रही है, एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है। हमने जो भी मशीन बनाया सबके अंदर एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी है। किस तरह का एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी है, मान लो आपने अभी गोली सोडा का मैनुअल मशीन से स्टार्ट किया, जो मेरा इस तरह का मैनुअल मशीन है, मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा मैनुअल मशीन किस तरह का। इस तरह का मैनुअल मशीन, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जो आप इस तरफ देख सकते हो कितना सारा स्टॉक है। केवल वन इन वन हिंदुस्तान सोडा मशीन, कोई कंपनी के पास इतना स्टॉक देखने को भी नहीं मिलेगा। पूरे गुजरात के अंदर आप ट्राई मार लेना और ऑन ऑर्डर आपको मशीन अवेलेबल मिल जाएगी। और इसकी भी एक खासियत है जो आपको कई पुराने एग्जिस्टिंग वीडियो में देखने को मिल गई होगी, आप इस तरह की मशीन लगा के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं आप बिजनेस। बट उसका एक्सटेंशन पॉसिबल कैसे, आपने मान लो 6 फिट का कार्बोनेट लिया, वो मशीन लिया, फ्यूचर में आपका बिजनेस बिल्डअप हुआ, आप इस तरह का ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हो। आपको एक और मशीन रन करना है तो आप इसी के अंदर एक और कनेक्शन देके एक और मशीन आप ऐड कर सकते हो। आपको एक ऐसा लग रहा है कि मुझे पेट बोतल का प्लांट भी यूज करना है, तो आप इस तरह का न्यूमेटिक एयर टाइट सिस्टम, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरह से वर्क करता है। और कुछ ही कंपनी है जो इस तरह का प्लांट बना, कुछ मतलब नाम मात्र,
या फिर आपको सीएसडी पे जाना पड़े, रोटरी के चक्कर में नहीं आए। रोटरी एकदम फ्रॉड वाला सिस्टम है, रोटरी के चक्कर में आने, रोटरी का नाम ही गलत यूज किया हुआ है। जिस बोतल के अंदर पहले सोडा बाद में सिरप, आपका जिंदगी निकल जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते। इमीडिएटली हर कोई अच्छा दिखाता है, लेकिन बात का कैलकुलेशन बात का ही है, उसको कोई अच्छा नहीं दिखाता। तो ये चीज न्यूमेटिक एयर टाइट सिस्टम है, कुछ अच्छे लोग यूज कर रहे हैं और हमने ये चीज अच्छे लोगों के गाइडेंस, अच्छे लोगों के फीडबैक और अच्छे लोगों के एक्सपर्टीज के बाद इसको बनाया। हमारी कंपनी बेस करती है राजकोट के अंदर, तो राजकोट के अंदर भी कुछ कंपनी जो हमारी एज से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी उन लोगों का अभी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस आते हैं मशीन की बोतल और सिरप को फिक्स करने के लिए। तो अपनी मशीन और अपनी हिंदुस्तान कंपनी के मशीन लेने से आपको कई सारी पॉसिबिलिटी है और कई सारे अपॉर्चुनिटीज है। एक ही मशीन के अंदर आप एक्सपांड कर सकते हो अपनी मशीन को विदाउट चेंजिंग एनी बेस मॉडल लाइक चिल्लर एंड कार्बोनेट ऑल दिस थिंग। तो आप इस तरह के मशीन को लेने से पहले एनालाइज करिए कैसे फील होता है, कैसे सिरप एक्यूरेट आता है। मैं इसमें आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। अभी ये गोली सोडा का 48 का सिस्टम है जो 8 BPM है, ये एक्चुअल में 8 BPM है। इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, बट एक मारुति 800 को 150 की स्पीड पे चलाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके लिए जैसा इंजन वैसा काम करना पड़ता है, आपका मेंटेनेंस मांगेगा। तो उस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, एक इरिलेवेंसी वाली बात हुई कि एक ज्यादा प्रोडक्शन बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते। मैं सिरप केवल सिरप की एक्यूरेसी कैसे सेट होती है मैं आपको बता देता हूँ। पूरा वॉल्यूम सिस्टम है, अभी मैंने सोडा सिरप दोनों को एक साथ फिल किया है, सिरप सोडा दोनों एक साथ फिल हुआ है। उसका भी अपन इसके अंदर पूरा बता देते हैं किस तरह से ये फिल करके देता है। ये इसका एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी को वीडियो के अंदर कई सारी कंपनियां शो नहीं करती है, वो कई सारे रीजन है क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है। क्योंकि इस गोटी सोडा के अंदर एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है और उसका एक्यूरेसी लाना भी बहुत जरूरी है। मैं इसका स्ट्रेंथ भी दिखा देता हूं कि इसका इसका क्वालिटी कैसी आती है। रियल बबल्स और उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे, सोडा की स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने सिरप सोडा दोनों साथ में फिल किया है, इसकी क्वांटिटी को प्लस माइनस आप कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको इसमें दिखा रहा था कि इसमें सिरप की एक्यूरेसी कैसे आती है, क्योंकि सिरप की एक्यूरेसी को लाना ही सबसे बड़ा खेल है। सोडा बंद किया, साइकिल बंद किया, मैं सिरप की एक्यूरेसी इसके अंदर आपको बताता हूँ। वीडियो बना देना YouTube पे डाल देना बहुत आसान है, लेकिन मशीन की परफॉर्मेंस कस्टमर के लिए देना बहुत ज्यादा टिपिकल है। तो कस्टमर इस चीज को लेने से पहले तो 10 बार समझे सोचे, वीडियो के चक्कर में ना आए। मेरा भी वीडियो है लेकिन आके विजिट करो, ऐसा नहीं है। आप देखिए ये भी वीडियो बना रहा हूँ, बट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक बेचने की भाव से आपको नहीं बता रहे। आप इसका एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एक्यूरेसी देखिए कितना, सभी बोतल के अंदर अगर 60 आ रहा है तो 60 आएगा। हाँ 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन 18-20 या 20 60 ml तो 60 ml ही आएगा। ये चीज को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर सकते। आपकी बॉटल्स, कांच की बोतल, पेट बोतल, सभी चीज को आपको समझना पड़ेगा। गोटी सोडा बिजनेस और पेट बोतल प्लांट एक ही प्लांट के अंदर अपन बिल्डअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात बोतल की अवेलेबिलिटी, तो बोतल की अवेलेबिलिटी हिंदुस्तान सोडा मशीन के पास सभी कैटेगरी के बोतल अवेलेबल, कस्टमाइज बोतल आपकी हो सकती, ग्लास बोतल आपको मिलेगा। ये सभी बोतल, कांच का बोतल है, कांच का बोतल आपको इस तरह का कांच का बोतल गोली सोडा का अवेलेबल है, वो भी विद गुड क्वालिटी के अंदर। ये बोतल हमने कस्टमाइज की, कस्टमाइज बोतल है ये हमने अमेरिका के लिए कस्टमाइज किया है बोतल के लिए, ये इंडिया के लिए, ये कस्टमर के लिए कस्टमाइज किया गया है बोतल को, और ये अपना एक ये इंडिया के लिए अपना खारी सोडा सौराष्ट्र के अंदर ये बोतल चलता है रियूजेबल। तो इस तरह की आप 2-3-4 तरह की कैटेगरी का बोतल, इस तरह की बोतल आप हिंदुस्तान सोडा के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी।
तो इस तरह का इंफॉर्मेशन और इस तरह की गुड क्वालिटी मशीन्स आपको परचेस करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा चीज आपको है कि मेन चीज इंफॉर्मेशन आप लीजिए, एक एंड एक रिक्वेस्ट है कस्टमर के साथ, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप प्लान पर स्टार्ट करिए, क्योंकि ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते।